नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो हम लोग चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग रैंकिंग पढ़ रहे हैं। तो रैंकिंग में काफ़ी आगे तक हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है। तो आ जाइए, फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे रैंकिंग में एक बार के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। बत्तीस तक शायद हमको, जहां तक लग रहा है कि 32 तक हम लोगों ने कर चुका है, 33 से आगे कंटिन्यू करना है। तो एक बार के लिए आप लोग कमेंट कर देंगे कि कहाँ तक हो चुका है, ताकि हम बात को आगे बढ़ा पाए। 31 तक हो गया था, ओके भाई। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन। लेकिन 32 नंबर क्वेश्चन शायद हमने बता दिया था, 32 नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया था, फिर से बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 32 तक हुआ था, सही बात है। पूनम को पता नहीं है, पूनम आपको पता रहना चाहिए क्योंकि आप क्लास में रह रहे हो, गलत बात है, ठीक है। ये हमको याद है कि इस क्वेश्चन को मैंने डील किया है, ठीक है। 32 हो गया है, हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। हम इसको फिर से डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है भाई, देखो पैरेलल टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। हो गया है, कोई बात नहीं, कर लेंगे फिर से। देखो फिर से बनाने से कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, जो दाएं से 17वें स्थान पर है। यहाँ पे बात को ध्यान दीजिए, एक लाइन बना दिया हमने, पहले पल्लवी को बनाइए। पल्लवी जो है कहाँ से है, दाएं से 17वें स्थान पे है, दाएं से 17वें स्थान पे यहाँ पे कौन है, पल्लवी है, ठीक है, 17th पे पल्लवी है। बात को ध्यान से समझने का कष्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है रीना जो है पल्लवी के बाएं 10वीं है, बाएं 10वीं पल्लवी यहाँ पे है, बाएं 10वीं। यहाँ से इधर आ जाइए, यहाँ से इधर आ जाइएगा, यहाँ पे रीना है, ठीक है, रीना है, ये 10th है। यहाँ से आगे बढ़िएगा, स्वाति रीना के दाएं से चौथी है, स्वाति जो है रीना के दाएं चौथी है, रीना जो है स्वाति जो है इधर आ जाएगी बीच में, यहाँ पे चौथी नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे कौन है, स्वाति है। आगे बढ़िएगा, कह रहे यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, स्वाति जो है बाएं से 10वीं है, यहाँ से यहाँ तक 10वीं है, ठीक है, 10th है। तो हमको बताना क्या है कि टोटल तब पंक्ति में कुल कितनी है, कितनी लकड़ियां हैं, कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 है, यहाँ से यहाँ तक का 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 10 है, 10 और 6 16 हो गया, 16 और 17 कितना हो जाएगा, 16 और 17 गुरु जी 33 हो जाएगा, 33 में से एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो 32 का आंसर 32 है, ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ से 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे, आ जाइए फटाफट बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ से देखेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, जया दाएं छोर से 9वीं है, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती है तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। बात को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, कह रहे एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, बाएं छोर से 7वीं, यहाँ पे पंक्ति हमने बना दिया। पंक्ति बताने के बाद क्या कह रहा है कि बाएं छोर से 7वीं है, ठीक है, बाएं छोर से 7वीं है, ये बाएं छोर से 7th है, कौन है, इंदु है, ठीक है, यहाँ पे इंदु है। आगे बढ़िएगा तो कह रहा है जया दाएं छोर से 9वीं है, दाएं छोर से 9वीं है, जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलती है तो इंदु जो है बाएं छोर से 17वीं हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे कह रहा है जब जया जो है दाएं छोर से 9वीं है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि दया जया जो है दाएं छोर से 9वीं हो जा रही है, यहाँ पे 9th हो गई, ठीक है, जया है, जया है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि जब वे अपने स्थान बदलती हैं, तो स्थान बदलने का मतलब यहाँ पे जया आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे इंदु आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पे इंदु आ रही है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इंदु जो है बाएं छोर से 17वीं हो जाती है, मतलब अब यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है, ये 17th हो गया, और यहाँ से यहाँ कितना है, 9 है, 17 9 26 हो जाएगा, 26 में से एक माइनस करेंगे 25 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया,
यहाँ पे एक और फिगर बनने के चांसेस थे कि जया को हम इधर क्रॉस करके लाते, लेकिन उससे पहले कि हमको अगला लाइन दिख गया था कि इंदु बाएं छोर से 17वीं है, तो अगर जया इधर आती तो इंदु फिर इधर जाती, तो बाएं छोर से वो कम हो जाती, ज्यादा नहीं होती, इसीलिए हमने दूसरा फिगर का यूज ही नहीं किया, दूसरा फिगर को साइड कर दिया, डायरेक्ट एक फिगर से आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको कोनो प्रकार का तकलीफ ना होगा, तकल्लुफ ना होगा। आगे बढ़ेंगे 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 आता है, ठीक है? कौन सा आता है? 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओगे भाई। 34 नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ से 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बात को समझने का कष्ट करोगे, ठीक है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है। दीप्ति कहाँ है? बाएं छोर से 10वीं है। पहले एक एक पंक्ति बना लो, पंक्ति बना दिए, ठीक है ना? दीप्ति जो है बाएं छोर से 10वीं है, बाएं छोर से 10वीं, तो यहाँ पे बाएं छोर से 10th नंबर पे आ जाएगी। कौन आ गई? दीप्ति आ गई। बात को समझते जाइएगा, ये दीप्ति है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कमल दाएं छोर से 8वां है, जब वे आपस में स्थान बदलते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां हो जाता है। यहाँ पे बात को समझने का कष्ट करेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कमल जो है दाएं छोर से 8वां है, अगर 8वां को हम इधर ले जाते हैं और फिर कमल यहाँ पे आएगा तो दाएं छोर से वो कम होगा, लेकिन यहाँ पे दाएं छोर से 15वां बन जाता है, इसीलिए इधर ही रहेगा। यहाँ पे ये 8th नंबर पे है, ये कमल है, ठीक है? यहां तक आपको कोनो तकलीफ नहीं होगा। आगे कह रहा है जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं, स्थिति इंटरचेंज, पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब है कि आपके स्थान पे हम बैठ जाए, हमारे स्थान पे आप बैठ जाइए, मतलब जहां पे दीप्ति बैठी है वहां पे कमल को बैठा दीजिए, ठीक है? और जहां पे कमल बैठा है वहां पे दीप्ति बैठ जाएगी। तो क्या कह रहा है कि जैसे ही ऐसा होता है तो कमल जो है दाएं छोर से 15वां हो जाता है। कमल भाई साहब जो है वो दाएं छोर से क्या हो जाएंगे? 15वें नंबर पे आ जाएंगे। 15वें नंबर पे दाएं छोर से, तो यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा? ये 15वां हो गया, 15th नंबर। यहाँ से यहाँ कितना है? 10, और यहाँ से यहाँ 15, 15 10 25। तो यहाँ पे दीप्ति दाएं छोर से कौन से स्थान पे है? दीप्ति का दाएं छोर से बताना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ 8 है, तो यहाँ से यहाँ बचा कितना? ये 7 हो गया, और यहाँ से यहाँ 10 और इस 7 कितना हो जाएगा? 10 और 7 आपका 17 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। पूनम 16 नहीं होगा, यहाँ पे एक माइनस नहीं करेंगे भाई। क्यों माइनस नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन नहीं पूछा है, रैंक पूछ दिया है कि दीप्ति का स्थान कौन सा है, तो यहाँ से 10 और 7 17 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ पर्सन जब भी पूछे तो माइनस वन करना है, बट रैंक या पोजिशन पूछे तो केवल डिस्टेंस को एड कर देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो आप लोगों ने जो माइनस कर दे रहे हो यार, बात को समझो कि यहाँ से आपको रैंक पूछे, मतलब कि स्थान पूछे, या फिर पोजीशन पूछे, क्या पूछे? पोजीशन पूछे। बात को समझ पा रहे हो? तो क्या करना है? टोटल डिस्टेंस बता देना है, जिसका भी पूछेगा उसका टोटल डिस्टेंस बता दो। और यहाँ से आपसे जब भी पूछे क्या पूछे? तो नंबर ऑफ पर्सन पूछे, नंबर ऑफ पर्सन बीच में कितने लोग हैं, यहाँ से वहां तक कितने लोग हैं, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकाल के जहां से जहां के बीच में पूछेगा वहां पे टोटल डिस्टेंस निकाल के माइनस वन कर दोगे। तो यहाँ पे भाई नंबर ऑफ पर्सन थोड़ी पूछा है, रैंक पूछा है ना, तो रैंक तो आप देख पा रहे हो कि इधर से 10 है और इधर 7 है, 10 7 17 होगा, तो फिर कहाँ से 16 आ रहा है? गलत बात है ना, बहुत ही बाहियात बात है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे यहां से, यहां तक तो कोनो प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, यहां से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और आगे बढ़ेंगे तो 35 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग, और 35 नंबर क्वेश्चन यहां से आप देख पाएंगे क्या कह रहा है। एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, रजनी टीना के दाएं है, ठीक है? जब टीना जो अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खींच सकती है, तब उनके बीच में 8 लड़कियां, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको बढ़िया से बनाना पड़ेगा, नहीं तो गलती होने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपकी गलती होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहे एक पंक्ति में टीना जो है बाएं छोर से 15वीं है, टीना बाएं छोर से 15वीं है, एक पंक्ति हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है? टीना बाएं छोर से 15वीं है, यहाँ पे बाएं छोर से 15th नंबर पे टीना को बैठा देते हैं। पहले पहले जो कह रहा है उसको कीजिए, जितना समझ में आ रहा है, ये टीना है, ठीक है? वो टीना डाबी नहीं है। रजनी दाएं छोर से 16वीं है, और रजनी जो है टीना के दाएं है, टीना यहाँ पे है तो दाएं इधर है रजनी, तो मतलब कि क्रॉस करके उधर नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी। तो रजनी दाएं छोर से 16वीं है, यहाँ पे आ जाओ भाई, रजनी दाएं छोर से 16वीं है,
यहाँ पे 16th नंबर पे है रजनी, दाएं छोर से 16वीं रजनी। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। जब टिपना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, तब उनके बीच 8 लड़कियां हो जाती है। 5 स्थान जब भी बाएं खिसकेगी, बात को समझने का कष्ट करेंगे, 5 स्थान जब बाएं खिसकेगी तो टीना यहाँ पे आ जाएगी। और अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा, क्योंकि पहले 15 था, 5 खिसक गई, 10 हो जाएगा। तब कह रहा है कि उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई, तो इनके बीच में 8 लकड़ियां हैं, 8 लड़कियां हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा, 9 होगा। 10, 9, 19 और 16 कितना हो जाएगा, 19 और 16 35 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे 35 आंसर ना होगा, कितना होगा, 34 होगा, 35 में से एक कम होगा। ठीक है, बात समझ में आया, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, है देख लिए, इसीलिए हम कह रहे हैं बात को समझो। तुम लोग हो कि बात को समझना ही नहीं चाहते हो, बस खाली हो हल्ला किए पड़े रहो, हो हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े ना, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, 34 होगा, हाँ भाई 34 होगा, 34 ही हम भी कह रहे हैं, हम भी 35 नहीं कह रहे हैं प्यारे लाल बालकृष्णा, हमने भी 34 ही कहा है। बात को तुम काहे नहीं समझते हो भाई, हमने कहा, कहा कब कहा कि 35 होगा, हमने भी तो कह रहा है कि 34 ही होगा। आगे बढ़ेंगे यहां से, 35 का आंसर आपका 34 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर क्वेश्चन यहां से देखोगे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अब आप आगे बढ़ चुके हो, रैंकिंग में आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो, तो इसलिए ध्यान से करना भाई। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कर एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, कमल नीता से 5 स्थान नीचे है, बात को ध्यान दीजिए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों का असफल विद्यार्थियों से अनुपात 4:1 है, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पे देख लो कितना महाभारत किए हुए हैं, ये तो एक तो रीजनिंग है, रीजनिंग में कह रहा है मैथो बनाओ, अभी जो रेशियो नहीं पढ़ा होगा मैथ में उसको हम कभी समझा सकेंगे, ये चैप्टर नहीं पढ़ा पाएंगे, ये क्वेश्चन हम समझा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो रेशियो लगा के रखे हुए देख पाओगे 4:1 है, तो 4:1 है, तो इसलिए कहते हैं रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी पढ़ना जरूरी है, जिसका मैथ ठीक होता है उसका रीजनिंग ठीक हो जाता है, लेकिन चाहोगे कि रीजनिंग खाली ठीक कर ले मैथ ना पढ़ के, तो संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, कह रहे एक उत्तीर्ण विद्यार्थी कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है, पहले यहाँ से हम एक लाइन ले लिए, ठीक है, इतना बड़ा लाइन है, नीता ऊपर से 22वीं है, बात को यहाँ पे ध्यान देंगे, नीता जो है ऊपर से 22वीं है, यहाँ पे कौन है, नीता है, बात को ध्यान देना भाई, कितने नंबर पे है, 22nd नंबर पे है। आगे बढ़ोगे तो कह रहा है कमल जो है नीता से 5 स्थान नीचे है, 5 स्थान यहां से नीचे आओगे तो बात को ध्यान देना है, यहां से 5 स्थान जब नीचे आओगे तो यहां से 27 हो जाएगा, 22nd हो जाएगा, 27, कौन है यहाँ पे, कमल है, ये कौन है, कमल है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और नीचे से 34वां है, कमल जो है नीचे नीता से 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वां है, तो अगर इसको हम यहां से देखोगे, कहां से, यहां से अगर जाओगे तो ये कितने नंबर पे है, ये 34 नंबर पे है। ठीक है भाई, 34 और इस 27, इधर से 27 और इधर से 34, तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे 61, तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 60 लोग हो जाएंगे, 61 नहीं होंगे, एक कम करना होगा, तो टोटल यहाँ पे कितने लोग हो गए आपके, 60 लोग हो गए, बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये किसका है पता है, ये किसका है, ये केवल पास वालों का है, क्योंकि यहाँ से बोला है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, यहाँ पे केवल उत्तीर्ण लोगों का है, तो यहाँ पे देखो उत्तीर्ण कितने हैं, 4 हैं और फेल कितने हैं, 1 है, तो यहाँ से 4 का मान कितना हो गया तुम्हारा, 60 हो गया, 4 का मान 60, तो 1 का मान 15, अगर यहाँ से फेल पूछा होता तो 15 हो जाता, पूछा क्या है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, मतलब 4 और 1 5 का मान पूछा है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, जो कि किधर है, ऑप्शन सी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको कोनो प्रकार का तकलीफ ना होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। ठीक है,
आगे बढ़े ना एक बार के लिए, कमेंट करके आप लोग बताएंगे जो भी यहाँ पे विद्यमान है कि आगे बढ़े ना, सबको समझ में आ रहा है, किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है ना। 75 ओके ओके भाई ओके 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 ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। यस सर, तो चलिए 36 के बाद 37 पे चलते हैं। आ जाइए 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है और इसलिए भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे भाई, सैतीस नंबर क्वेश्चन आ रहा है, रास्ते में है, थोड़ा सा आप इंतजार करें और धैर्य बना के रखें, ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत जल्द हम आपके स्क्रीन पे दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेगा क्योंकि हम आपके साथ हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख पा रहे हैं आप, इसको हम बड़ा करेंगे तब दिखाई देगा, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बड़ा होने तक इंतजार करें, जब भी बड़ा होगा तो आपको दिखाई देगा। देखिए दिख रहा है अब बड़ा हो गया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे आप, क्या कह रहा है? 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में दुगुनी है, मोहित ऊपर से 15वां है, यदि 5 लड़के उसके ऊपर उसके आगे हैं तो कितने लड़के मोहित के पीछे हैं? सिंपल सा बात है भाई, 5 लड़के उसके आगे हैं तो मोहित के पीछे कितने लड़के हैं? ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो पहले टोटल कितना है? 60 को है, 60 को विद्यार्थी है ना। बोला है कक्षा में लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में दुगनी है, बॉयज और गर्ल का बात पहले कर लेते हैं। क्या कह रहा है? लड़कों की लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में दुगनी है, अगर लड़का एक गो है तो लड़की कै गो होगा? दो गो होगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बॉयज एक हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? दो होंगी, क्योंकि लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में दुगुनी है। यहाँ से अगर हम आपसे पूछे कि टोटल कितना है भाई, तो टोटल 3 है, और यहाँ से टोटल 60 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, तो ये कितना गुना है? 20 गुना है। तो यहाँ से 1 का मान कितना हो जाएगा? 20 गुना कर दोगे, 20 आ जाएगा, मतलब लड़के कितने हैं? 20 गो है, और इसका 20 गुना कर दोगे, लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी। तो लड़का और लड़की पता चल गया कि टोटल लड़का कितने हैं? 20 गो है, और लड़कियां 40 गो हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से कह रहा है मोहित ऊपर से 15वां है, तो पहले यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग कि मोहित जो है ऊपर से 15वां है, यहाँ पे मोहित है, ठीक है, मोहित है, यहाँ पे मोहित यहाँ पे है और ये 15th नंबर पे है, ठीक है। आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं, यदि 5 लड़के उसके आगे हैं, आगे मतलब ऊपर होंगे ना, तो 1 2 3 4 5 गो ऊपर है, ठीक है, और ये एगो 6 गो हो गया, और टोटल लड़के कितने हैं? 20 गो हैं, तो उसके पीछे कितने लड़के होंगे? उसके पीछे आपका 14 लड़का होगा। बात समझ में आया? बाल कृष्णा भाई उसको कहाँ छोड़ दिए, मोहित भी लड़का ही है, ठीक है। मोहित आपको लड़की दिख रहा है क्या? है, मोहित खुद भी एक लड़का है, तो वो भी लड़का में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 5 गो ऊपर है और 1 गो में ही, तो 6 गो हो गया, तो नीचे कै गो हो जाएगा? 14 गो बच जाएगा, तो पीछे होने का मतलब नीचे हो जाएगा, यहाँ से उससे कम रैंक वाले नीचे हो जाएंगे। बात समझ में आ गया बाल कृष्णा भाई? 15 ना बोलो भाई प्यारे लाल, बात को समझने का कष्ट करो, ऐसा गलती काहे करते हो तुम लोग, ठीक है ना। यहां तक आपको कोनो प्रकार का तकलीफ ना होगा, तकल्लुफ ना होगा, सब समझ में आ रहा है बेहतर ढंग से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहां से, ठीक है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में याद रखेंगे लड़के 20 हैं और लड़कियां 40 हैं, अगला क्वेश्चन इसी डाटा पे होगा तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। अरे यार इसको क्या हो गया भाई, हद करता है भाई, बताइए कैसे काम चलेगा, ये अलग अपना टांडो करते रहता है, तो कैसे काम चलेगा? इसमें मेरा क्या दोष है? तुम लोग मेरे ऊपर गुस्सा होगे, बताओ तो इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा कोई दोष है? है, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। आगे आ जाओ भाई, तुम काहे गायब हो जा रहे हो यार, गुस्सा आ जाएगा सब, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, चलो आ जाओ यहाँ पे बता दो।
38 नंबर क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा गया है कि कितनी लड़कियां मोहित के से आगे हैं। यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज 20 गो हैं, और टोटल गर्ल्स कितने हैं, तो टोटल गर्ल्स 40 गो हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है मोहित ऊपर से 15वां है, तो मोहित को ऊपर से 15वां नंबर पे बैठा देते हैं। पहले 15th नंबर पे ही मोहित है, ठीक है, और मोहित के आगे 5 गो लड़का है, 3 4 5 गो, तो बचा कै गो, बचा आपका मोहित के आगे कितने टोटल है। यस सर, आप समझाएं और समझ में ना आए ये हो ही नहीं सकता। सही बात है भाई, यहाँ पे आप बात को समझने का कष्ट करेंगे कि मोहित कितने नंबर पे है, 15वें नंबर पे है। 15वें नंबर पे है मतलब इसके पीछे इधर टोटल कितने लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक 14 लोग हैं ना, कितने लोग हैं, टोटल 14 लोग हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर कितने लड़के हैं, तो 5 लड़के इसके ऊपर हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, तो लड़कियां 9 होंगी जो कि इसके आगे हैं। बात समझ में आ गया, 5 लड़का है तो लड़कियां कै गो होंगी, 9 गो नहीं होंगी भाई, है काहे ना समझ में तुमको आ रहा है भाई, समझ में आ गया। आगे बढ़े ना, यहां तक किसी को कोई समस्या ना होगा, ना ही कोनो प्रकार का तकलीफ होगा। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं, 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए, 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, पूछा है कितनी लड़कियां मोहित से पीछे हैं, तो टोटल 40 गो लड़की है, 40 में से 9 गो मोहित के आगे है, तो पीछे कई गो होगी, 31 गो। ठीक है, टोटल लड़कियां 40 गो है, 40 में से पिछला क्वेश्चन में आप देख लिए कि मोहित के आगे कितनी लड़कियां थी, 9 गो थी, तो मोहित के पीछे कितनी लकड़ियां होंगी, 31 गो होंगी। ठीक है, यहां तक आपको कोनो प्रकार का तकलीफ ना होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। बात समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखें यहां से, यहां पे कह रहा है क्या, ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है, यदि सी दोनों के ठीक बीच में है तब वहां कितने व्यक्ति हैं। अब थोड़ा आप अपना हाथ पैर चलाएं, इसका क्वेश्चन आंसर का बनाए, इसको बनाए थोड़ा, ढेर देर आप लोग खाली हम बना रहे हैं, तुम लोग आराम कर रहे हो, चलो बनाओ इसको, अब हम ना बनाएंगे, जाओ बनाओ इसको, बनाओ, ढेर हल्ला करवा लिया हमसे, चलो इसको बना के जल्दी बताओ आंसर। इसको बनाने का कष्ट करें आप लोग थोड़ा जल्दी में, ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम का बहुत समस्या है। भाई लोग आप लोग बना रहे हो या सो रहे हो, कुछ करो यार जल्दी तुम लोग। इसी बात पे पुलिस जी राजस्थान ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बाकी लोग बताएं भाई। विशाल कुमार का भी आंसर आ गया है भाई,
अवधेश कुमार पाल का भी आंसर आ गया है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चंदन कुमार का भी आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया है भाई। यहां से कह रहा है अब हमको बनाना पड़ेगा, कह रहा है ए ऊपर से 10वां है, यहाँ पे एक लाइन पंक्ति करते हैं, ठीक है। ए ऊपर से कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे है, 10th नंबर पे, ठीक है। और सी जो और बी जो है नीचे से 15वां नंबर पे है, बी जो है नीचे से 15 नंबर पे, यहाँ पे ए है और ये बी है, ठीक है, ये 15th नंबर पे है। यहाँ से कह रहा है कि सी जो है ऊपर से 18वां है, सी कहाँ पे है, ऊपर से 18वां है, ऊपर से 18 नंबर पे है, ये 18th नंबर पे सी है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है क्या कि सी जो है दोनों के ठीक बीच में है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 18 है ना, यहाँ पे बीच में कितने लोग हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 7 है, तो यहाँ पे बीच में 8 है, तो बीच में 7 लोग होंगे, तो यहाँ पे भी 7 लोग होंगे ना, तो 8 है यहाँ पे भी, तो यहां से यहां तक अगर देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप बता सकते हैं 15 8 23 हो जाएगा, और 23 और 18 कितना होगा, 8 3 11 और 2 1 3 और 1 4 41, मतलब एक कम होगा आपका, यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आए, पूछा है व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समझना था कि बोला है कि बीच में है, यहाँ से तो हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ से ही पता है कि 10 है, और यहाँ से ही पता है कि 18 है, तो बीच में यहाँ पे 8, ये वाला 8 है ना, तो यहाँ से यहाँ भी तो 8 होगा ना, और यहाँ से यहाँ 15 है, और ये 8 23 हो जाएगा, तो ये 23 हो गया और ये 18 हो गया, 23 18 41, 41 में से एक कम करेंगे कितने लोग हो जाएंगे, 40 लोग हो जाएंगे, सबका गलत है, सब बेकार हो, समझ लो, एक आधे दुगो का सही है। समझ में आ गया है, इसीलिए तुम लोग पढ़ रहे हो कि खाली गलती करो है, इसीलिए तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है ना कि तुम लोग खाली गलती करो बैठ के। 41 के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, 40 के बाद 41 पे आ जाओ भाई। बताइए इसका क्या हो जाएगा, एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, कक्षा में भारती की रैंक 15वीं है और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है, तो ये तो 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक होगी, 4 स्थान आगे हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। सर मेरा सही है, हाँ भाई तुम्हारा सही है, मैंने देखा तुम्हारा आंसर, तुम्हारा सही था, मैंने बाद में नोटिस किया तुम्हारे आंसर पे, तो हमको पता चला कि तुम तो सही हो, इसीलिए हमने बोला कि एक आधे दुगो का सही था। चलिए इसको बनाइए फटाफट, इसका आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है, ठीक है। कह रहा है एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी है, कक्षा में भारती की रैंक जो है 15वीं है, यहाँ पे 15वीं है, ऊपर से लेते हैं ऐसे, ऊपर से 15वीं है, 15th नंबर पे है, कौन है, भारती है, ठीक है, भारती है, आगे बढ़िए, दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है, दिव्या जो है भारती से 4 स्थान आगे है, दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है, तो 4 स्थान ऊपर जाएगी, तो कितने स्थान पे आ जाएगी, 11th पे आ जाएगी, ठीक है, 4 स्थान आगे जाएगी तो 11th पे आ जाएगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, 41 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, 41 के बाद कहाँ चलेंगे, 41 के बाद चला जाए 42 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ से देखो किसको कहते हैं 42, 40 पे कहाँ जा रहे हो भाई, 41 के बाद 42 आता है ना, 42 नंबर क्वेश्चन देखो। चलिए 42 का आंसर आप लोग, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं हम, 42 का आंसर आप लोग सोच समझ के बताएंगे, बिना देर किए बताने का कष्ट करेंगे 42 का आंसर। चलिए हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, फटाफट बताइए इसका। बयालीस का आंसर क्या होगा, फटाफट बताने का कष्ट करेंगे आप लोग।
एक का आंसर अभी तक आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई। एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पे है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पे है, दीपक मोहित के दाएं चौथा है। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं तो दीपक सुमित से कितना दूर है? दीपक सुमित से कितना दूर है? यहाँ पे दीपक एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पे है और ये दाएं से 10वें स्थान पे है, तो इसको ही क्रॉस करके आगे जाएगा। दीपक मोहित के दाएं चौथा है, दीपक कहाँ पे है? मोहित के दाएं चौथा है। और पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोहित बाएं से 10वें स्थान पे है, मोहित बाएं से 10वें स्थान पे है, यहाँ पे 10th पे मोहित को बैठाते हैं पहले। बात को यहाँ पे समझने का कष्ट करें, क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है क्या कि सुमित दाएं से 10वें स्थान पे, अगर सुमित को आप इधर रख दोगे तो ये फिक्स हो जाएगा कि अगर ये 10 है और ये सुमित है तो यहाँ तो ये फिक्स हो गया कि 10 10 20 लोग कम से कम है और 20 से ज्यादा है, लेकिन कह रहा है पंक्ति में केवल 16 व्यक्ति हैं, तो इसलिए क्रॉस करके इधर चल जाएगा, यहाँ नहीं रुकेगा। यहाँ पे इसको हम सुमित को क्या करेंगे, इधर से लेकर के इधर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे, इधर 10th पे हो जाएगा सुमित, बात को ध्यान दीजिएगा। आगे क्या कह रहा है कि दीपक जो है मोहित के दाएं चौथा है, मोहित के दाएं चौथा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मोहित के दाएं चौथा यहाँ पे आ जाएगा मोहित। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ये कहाँ हो गया? दीपक हो गया। ठीक है, दीपक मोहित के दाएं चौथा, ठीक है ना। यहाँ से आगे कह रहे हैं यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं? 16 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान देने का कष्ट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 10। बात को समझिएगा, यहाँ पे प्यार से समझाते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना है? मोहित तक 10 है, मोहित के बाद यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 14, और टोटल है कितने व्यक्ति? 16, तो यहाँ तक आना चाहिए ना 16, तो मतलब कि यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक ही 10 है ना, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इधर कितने हैं? यहाँ से यहाँ तक 10 है तो इधर 6 है ना, इधर 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा? इधर 6 है तो यहाँ से यहाँ तक ही कितना बचा? 4 बचा ना, और यहाँ से यहाँ कितना बचा? 8, 4 बचा ना, तो 4 4 8, तो सुमित जो है दीपक से कितने स्थान है? कहाँ गड़बड़ हो गया भाई? 7th टू द राइट, 7th कहाँ से आ गया भाई? यहाँ पे 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 16 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है। ठीक है, 4 आदू 6 इधर हो जाएगा, तो बच गए इधर 4, तो 4 4 8 हो जाएगा ना। यहाँ पे ध्यान देने का कष्ट करेंगे थोड़ा सा, कह रहा है यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं, मोहित दीपक जो है मोहित के दाएं चौथा है यहाँ पे, तो चौथा नंबर पे है। ठीक है, और इधर और आ गया 2 लोग, इधर 2 लोग और होंगे कम से कम, तब जाकर के 16 होगा, 10 4 14 और 1 16, 2 16। यहाँ पे 3 होगा, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मिस्टेक हमने किया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने फिगर में मिस्टेक किया है, 1 मिनट। ओहो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिगर में मिस्टेक है। मोहित बाएं से 10वें स्थान पे है, मोहित बाएं से 10वें स्थान पे है, मोहित को बैठा दीजिए यहाँ पे, मोहित है। ठीक है, मोहित है बाएं से 10th पे है, इधर से आ जाइएगा, इधर से, तो इधर से सुमित है, सुमित कितने पे है? सुमित दाएं से 10वें पे है, यहाँ पे सुमित हो गया, सुमित यहाँ पे 10th पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देंगे ये कह रहा है कि दीपक मोहित के दाएं चौथा है, दीपक कहाँ पे है? मोहित के दाएं चौथा, तो यहाँ से फोर्थ है। ठीक है, यहाँ पे दीपक है, ये दीपक है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ से यहाँ तक टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 16 व्यक्ति हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो कितना डिस्टेंस होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 17 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 17 होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, यहाँ से यहाँ तक का 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 होगा, होगा ना। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, अब बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, 3 और 4 7, तो यहाँ से बचा हुआ कितना हुआ? बचा हुआ 3 हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो 3 और 4 7, दीपक किधर है? सुमित के दाहिने साइड 7वें स्थान पे है, बात समझ में आ गया, सुमित के दाहिने 7वें स्थान पे, तो यहां से हो जाएगा। ठीक है, 7 इज राइट, सही बात है, तो
वहां पे फिगर में थोड़ा सा हमने मिस्टेक यही किया था कि यहाँ पे 16 व्यक्ति थे तो हमने 16 ले लिया था, जबकि डिस्टेंस 16 व्यक्ति है तो डिस्टेंस 17 होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, और बात समझ में आ गया तो इसी क्वेश्चन पे अब हम सभा को समाप्ति करेंगे। मिलेंगे फिर आपसे कल अपने निर्धारित समय पे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।